भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के भागलपुर गोराडी मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जिससे कि घर में काम कर रही महिला सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपका पूरा, मेरा नाम आकाश चक्रवर्ती हुआ। पूरा स्पीड में गाड़ी था जी, और गाड़ी अनबैलेंस होकर स्पीड में गाड़ी घुस गया। तो बहुत बड़ी गाड़ी है जी, बहुत बड़ी गाड़ी। कितने बजे घटना घटी? घटना लगभग 9 के लगभग। मृतका कौन थी आपके? मेरी चचेरी बहन है। क्या नाम था उसका? सावित्री देवी। कितने बाल बच्चे हैं उसको? उसमें 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 बेटी है। मना और कोई घटना घटी है? केवल एक आदमी का? एक उसकी है, वो हस्बैंड है, मेरा जीजा है जी। उसका भी सर फटा है, वो भर्ती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जी हाँ। घटना ये कैसे अनबैलेंस हुआ? अनबैलेंस गाड़ी पूरा स्पीड में था और रोड पूरा खाली था, और गाड़ी पूरा स्पीड में था और गाड़ी हाँकते हुए आ रहा था, तो अनबैलेंस होकर गाड़ी घुस गई अंदर। हम बैठे थे कुर्सी पर जी, कैसे गाड़ी घुस गई? हम साथ में गिर गए, तो हमको उठाया, तब तक यहाँ मत टूटा हुआ। गाड़ी का ड्राइवर? गाड़ी का ड्राइवर? ड्राइवर ठीक है। कितने बजे घटना घटी? अगलपुर में 9 एंट्री लगता है, जगदसपुर रूट में 9 एंट्री लगता है, गोराडी वाले में 9 एंट्री कौन लगता है? हम लोग ये सवाल है, हम पैसा लेके चलवाता है ट्रक। हमारा बेटा मर गया कल, किसी और के बेटा मर गया, और कोई मरेगा? किसी मुआ मर गया तो एंट्री चाहिए, एंट्री दवाई देगा ये बताइए। एंट्री चाहिए और इसको मोब जाना चाहिए, बच्चा का पूरा सब परिवारस के लिए। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर में मजदूरी कर रहा एक मजदूर 3 मंजिला मकान से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक लोग घायल मजदूर को अस्पताल ले जाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना रविवार की है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को 15 मिनट बाद वहां पर काम कर रहे अन्य मजदूरों ने दी, जिसके बाद आनन फानन में मृतक के परिजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर मृतक के परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। इधर घटना बाद काम करवा रहे ठेकेदार भी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों की मांग है कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मजदूरी कर घर का भरण पोषण करता था। मजदूरी करने के दौरान 3 मंजिला मकान से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब घर परिवार कैसे चलेगा? ठेकेदार मुआवजा नहीं देगा तो FIR करेंगे। वहीं घंटों ठेकेदार और परिजनों के बीच कहासुनी हुई। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा निवासी 40 वर्षीय पप्पू मंडल के रूप में की गई है। मृतक कई सालों से मजदूरी कर अपना घर का भरण पोषण करते थे, मजदूरी करने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। काम करल गेलो जत मई एको दाने फोन घर कर लके कि डेट हो गलो ने गिरी गेला। हम ये लोग आ कल के तो हम दौले छे मायागंज, तब मायागंज में खोजना छे की लगे छ की हो के कुछ नै होलो रे, काम करे रे सेंटरीर जा रे करला आरो कुछ नै होलो रे। कैसे भेल घटना? हम नै देखना छे, मऊ पक्का पर करवा रे 3 मंजिला पर के काम डेरी लेबर मिस्त्री जाच ले गिरलो छे कि होलो छे हमरा नहीं देखना छे। पप्पू मंडल राति कहने काम नहीं करब, हम पत्नी होलिए शेखा देवी की बजा की रे बजा हमरा राति कहने रे फेन घर फोन निकल नी कल देखल कर काम कर चलो खानो नहीं। विनय प्रभाकर जी के घर में काम कर रहे थे हम सब मिलके, और सेंटरिंग खोल रहा था साइट का सेंटरिंग, उसी में गिर गया वो। कितने तल्ले पे काम हो रहा था? 3री मंजिल पे काम हो रहा था। कितने सेफ्टी कुछ था? सेफ्टी तो सब था, उसी जगह था, सब अपना सेफ्टी से काम कर रहा था। संजोग था पैर फिसल गया उसका, कल ढलैया हुआ था ना। जान चला गया? क्या जान चला गया तो जो सहयोग होगा हम सब करेंगे, पार्टी भी तैयार है सहयोग करने के लिए।
होली को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों के साथ पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की है। मैं समस्त जिलेवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस रंगों के त्यौहार को वो सेलिब्रेट करें, आपस में खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें एवं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इसे सेलिब्रेट करें। इसके साथ ही मैं उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसका भी ख्याल रखें। हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पर जहां होलिका दहन किया जाता है एवं जहां होली में लोग आपस में मिलते हैं, जहां भीड़ भाड़ होती है, सभी विभिन्न जगहों पे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती की है, उसका ब्रीफिंग भी कर दिया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे समस्त भागलपुर वासी होली को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, हमें सहयोग भी करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इसे मनाएंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शराब की अवैध तस्करी एवं शराब का समाज पर बढ़ते दुष्प्रभाव पर आधारित अंगिका भाषा में बनी सामाजिक फिल्म शराब माफिया YouTube चैनल श्री कुमुद फिल्म्स पर रिलीज किया गया। फिल्म का प्रोडक्शन JM संगम स्टूडियो ने किया है। फिल्म श्री कुमुद फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई है, जिसके लेखक एवं निर्माता भोला कुमार बागवानी है। फिल्म का निर्देशन संजीत कुमार संगम ने किया है। इस फिल्म से जुड़ी टीम ने इससे पहले अंगिका फिल्म हथपकड़ा, नेशनल अवार्ड फिल्म मलिक्ष, माटी कहानी एक किसान की जैसी सामाजिक फिल्मों का मान किया है। एक बार फिर से होली के शुभ अवसर पर अंगिका सामाजिक फिल्म शराब माफिया को लेकर यह टीम आई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह आज के युवा पैसे की लालच में आकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। फिल्म में अवैध शराब के धंधे को दर्शाया गया है। इस फिल्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि शराब के अवैध धंधे को फलने फूलने में समाज के लोगों का भी हाथ होता है, जो उसका विरोध नहीं करते, लेकिन यह सामाजिक बुराई एक न एक दिन किसी तरह हमारे आसपास के लोगों पर भारी पड़ती है और यह फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में वेदांत कुमार सुगम, मौर्य कुणाल मंडल, जितेंद्र कुमार जीतू, संजीत कुमार संगम, प्रशांत अधिकारी, मुकेश मंडल, निर्मल कुमार राजनंदनी है। फिल्म में संगीत राजेश कुमार ने दिया है, जबकि फिल्म के गाने को जॉन साहब ने गाया है। फिल्म का संपादन मौर्य कुणाल मंडल ने किया है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन JM संगम स्टूडियो में हुआ है। फिल्म की शूटिंग बरियारपुर, भागलपुर और कोलकाता के विभिन्न लोकेशनों में की गई है। यह पूरी फिल्म की खासियत है कि पूरी फिल्म अंग
आंध्र प्रदेश के कलाकारों एवं तकनीशियनों द्वारा बनाया गया है और यह फिल्म अंगिका भाषा में बनाई गई है। यह फिल्म होली के शुभ अवसर पर यूट्यूब चैनल श्री कुमुद फिल्म्स पर रिलीज किया गया है। आप यूट्यूब चैनल श्री कुमुद फिल्म्स पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई फिल्म है जो कि अपनी अंगिका भाषा को समर्पित है और इस फिल्म के निर्देशक हमारे संजय कुमार संगम जी हैं। जिस तरह से आपने हमारे जितने भी हम लोगों ने मिलकर फिल्म बनाई है, आप लोगों ने बहुत बढ़ बढ़ कर प्यार दिया है और इस फिल्म में हम पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें मार धार एक्शन कॉमेडी ड्रामा इमोशनल सभी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप लोग यूट्यूब पर जा करके सर्च कर सकते हैं, ये श्री कुमुद फिल्म चैनल पर रिलीज हुई है। आप लोग यूट्यूब पर भी अंगिका फिल्म शराब माफिया बोलेंगे तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे बीच रिपोर्टर अभिनेत्री है नंदनी राज जी और नंदनी राज जी ने इन्होंने रिपोर्टर का अभिनय किया है और कैसा लगा बताइए कुछ आप जी। जैसा हम देखे ये शराब को लेके बना हुआ है तो शराब के वजह से जितने सारे होली में किसी भी फंक्शन में पी के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो जाती है और तो उसी पे आधारित है। देखिए आप लोग एंजॉय करिए। और हमारे साथ बहुत ही हमारे क्षेत्र के मुख्य कलाकार है हमारे प्रशांत अधिकारी जी। प्रशांत अधिकारी जी, इस फिल्म के बारे में आप बताइए। बहुत ही शानदार फिल्म है और एक तरह से कहिए तो शराबबंदी के समर्थन में हम लोगों ने ये फिल्म बनाई और इतनी सुंदर फिल्म विशेष रूप से होली के अवसर पर इसलिए रिलीज किया गया कि ताकि लोगों में जागरूकता है, जितने भी मतलब अवैध रूप से जो भी काम हो रहा है वो नहीं हो और हम लोग शराबबंदी के समर्थन में सभी कलाकार हैं। शराब नहीं बिकना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं किसी को पीना चाहिए। इस होली की आप सभी को शुभकामनाएं और होली में निवेदन है कि इस फिल्म को देखें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि ये फिल्म हर तबके तक पहुंच सके, हर लोगों तक पहुंच सके, हर लोग देख के जागरूक। और इस फिल्म के लिए आ रही सबको बधाई और बोलो सिंगर। और इस फिल्म के बहुत ही खास बनाया है हमारे जॉन साहब ने, जिन्होंने अपना एक बहुत ही अहम गाना दिया है और ये फिल्म मैंने जब देखा तो हम लोग पूरी टीम ने मिलकर बैठ करके देखा तो दिल को छू गया। जॉन दा, आप कुछ बताइए जॉन साहब जी गाने के बारे में। आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिए और जितना हो सका इसको अच्छा से गाने का प्रयास किए। हम संजीव जी बहुत प्यार से हम लोग को रखते हैं और आप लोग देखिए इस फिल्म को। एक गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए जॉन साहब इनका। इसमें पहला मुखड़ा है सर, छोड़ी के पलची पूरी का है गेला, कहाँ गेले सैया हमार, हो बाबूजी कहाँ गेले सैया। क्या बात है। और ये रिलीज हो चुकी है, आप लोग जाइए और फिल्म को देखिए और भर भर कर प्यार दीजिए। लव यू, टेक केयर और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी पंडित टोला निवासी प्रभात रंजन के बंद घर से चोरों ने नकदी, सोना चांदी के आभूषण, एलईडी टीवी, दो गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर ली। पीड़ित प्रभात कुमार रंजन ने बताया कि शुक्रवार को घर के सभी सदस्य अपने गांव नवगछिया गए थे। रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। शनिवार को घर के दरवाजे का ताला टूटा देख पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी। इसके बाद हम लोग घर पहुंचे, यहां आए तो देखा कि घर के सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर में रखे करीब 20,000 रुपए समेत सामान गायब थे। पीड़ित प्रभात कुमार रंजन ने बताया कि करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के सामान चोरों ने चोरी कर ली। सूचना मिलने पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने बताया कि चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कल हम लोग 12 बजे लगभग घर के लिए रवाना हुए, घर गए। कहाँ घर है? नगुछिया, उस पार में सदवा चापर में है। और चोरी कहाँ हुआ, कौन गांव में? दिघी में हुआ है, पंडित चोला में। अच्छा, तो रात में लगभग हुआ है। हम लोग को पता चला 3:30 बजे दिन में कि आपका ताला टूटा हुआ है, आके देख लीजिए। तो आए 3:30-4 बजे तो देखे तो पूरे रूम का ताला टूटा हुआ था और सामान सब बिखरा हुआ था। कौन पंचायत में पड़ता है? निसम्बे पंचायत। थाना में आवेदन पड़ा? हाँ, थाना आवेदन पड़ गया है।
पुलिस जांच की है? पुलिस अभी नहीं आई है, आएंगे आएंगे। क्या क्या चोरी हुआ है भैया? जेवर है कुछ, और पैसा है, और टीवी है, सिलेंडर है। अच्छा, ये सब है। पैसा कितना है? 25-30 हज़ार के आसपास होगा, गिनती नहीं था मेरे पास, 25-30 हज़ार के आसपास था। और जेवर में है, पायल है। यहाँ पे क्या रेंट पे रहते थे क्या? नहीं नहीं, अपना खुद का घर है, मकान बनाए हैं। भागलपुर के बाईपास थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर शनिवार रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान एक चारपहिया वाहन से भारी मात्रा में 21 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही दो शराब तस्कर संदीप कुमार एवं मनु कुमार, जो कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना के निवासी है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि शराब की खेप झारखंड से मधेपुरा ले जाई जा रही थी। बाईपास थाना अध्यक्ष सूरज कुमार बैभम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, बाईपास के सभी अधिकारी मौजूद थे, गाड़ी जब्त कर लिया गया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।